Hello students, once again I welcome you all in the new video, and in this video we are going to talk about a very important topic, that is the volume of blood during the cardiac cycle. That means during the cardiac cycles, what are the amount of bloods in each chambers, whether it is atrium or ventricle, means kitna blood kis chamber mein कब कब रहता है, हम लोग इसी को पढ़ने चल रहे हैं बच्चों. ठीक है, सो जस्ट वॉच द वीडियो. फर्स्टली बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईडीवी. ईडीवी मींस वी कैन से इन डायस्टोल वॉल्यूम एंड डायस्टोल वॉल्यूम. सेकंड ईएसवी, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड देन स्ट्रोक वॉल्यूम. Then in the last, very important, that is cardiac output. That is the cardiac output. So let's start. EDV means end diastole volume. देखो बच्चों, ये जो contraction होता है, this is called systole. और relaxation होता है तो क्या बोलते हैं, diastole. क्या बोलते हैं, diastole. ठीक है, तो एक क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा रिलैक्सेशन. तो कॉन्ट क्या बोलते हैं, सिस्टोल. इसे क्या बोलते हैं, डायस्टोल. क्या बोलते हैं, डायस्टोल. तो एंड डायस्टोल वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल. वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन हुआ तो कितना ब्लड उसमें था, दैट सेम अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड EDV, end diastole volume. अब आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आपके, कि EDV is related with ventricle or atrium. तो आंसर would be correctly ventricle. आंसर would be ventricle. जैसे देखो ये आप, ये देखो atrium, ये देखो ventricle, ये देखो contraction हो गया इसमें, contraction relaxation. ये कॉन्ट्रेक्शन था लेकिन रिलैक्स हुआ जब वेंट्रिकल, तो कितना ब्लड था वेंट्रिकल जब रिलैक्स हुआ, तो कितना ब्लड था, उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोल वॉल्यूम. ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, याद रहे. अगला बच्चों क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कि सिस्टोल के बाद, एंड मतलब कि एंड दोनों में लगा हुआ है. ये देखो एंड डायस्टोल है, एंड सिस्टोलिक है. अब बच्चों दोनों ही किससे रिलेटेड हैं, वेंट्रिकल से. ये भी किससे हैं, वेंट्रिकल से. ये भी किससे हैं, वेंट्रिकल से. क्योंकि हमारा जो मेन होता है काम, वो वेंट्रिकल के थ्रू ही होता है. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल. तो हमने पढ़ा भी कि ऊपर कितना कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन जब होता है वेंट्रिकल, तो कितना 120. लेकिन जब जो कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड यहाँ से निकल जाएगा. जैसे ही कॉन्टैक्ट होगा सारा ब्लड निकल जाएगा, तब भी इसमें कुछ ब्लड बचता है. जो बचता है दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल. वॉल्यूम 50 ml. कितना, अच्छा देखो 120 ml आया, उसमें बचा था कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो 50 ml क्या हुआ इसमें बचा रह गया. यानी कि इसमें टोटल ब्लड कितना था, 120. ये रिलैक्स हुआ था, 120 बचा था. कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर जब नॉर्मल हुआ तब भी इसमें ब्लड कितना बचा था, 50 ml. ठीक है, डायस्टोल के बाद ही 50 ml बचा था. यानी 120 में से 50 निकाल लेंगे, 70 ml क्या होगा, वेंट्रिकल से, हर वेंट्रिकल से बाहर निकल गया. और उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. दैट अमाउंट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक, तो उसके बाद देखिए इसमें लिखा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पाउंड बाई वेंट्रिकल पर हार्ट बीट. एक हार्ट बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से निकला, हर वेंट्रिकल से, एक वेंट्रिकल से. लेफ्ट आप कह सकते हो, लेफ्ट से ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. वॉल्यूम 70 ml.
अब बच्चों एक बार में हार्ट रेट पंप किया तो 70 ml, अगर 72 टाइम्स अगर यंग पर्सन की है या कह सकते हैं कि एक फुली डेवलप्ड व्यक्ति की है तो कितना एक मिनट में ब्लड हार्ट पंप करेगा, ठीक है। तो उसी जो अमाउंट होगा ब्लड का एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हो गए, एक बार में चुका 70 ml, तो 72 टाइम्स होती है। तो क्या किया देखो, 70 को 72 से मल्टीप्लाई कर दिया, 540 ml आ गया, यानी एक मिनट में हार्ट से निकला हुआ ब्लड एक वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल को मानते हैं इसमें जनरली, ठीक है। तो क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, और इसी को क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक जानते हो एक हार्ट से ही रिलेटेड वर्ड है, जो हार्ट का जो आउटपुट है एक मिनट में ब्लड ही तो आउटपुट रहेगा बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द बॉडी ऑर्गन पर मिनट, तो COP स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 70 ml, हार्ट बीट कितनी थी 72, तो 540 ml। सो दैट्स हाउ इट इज कंप्लीटेड। सो जब जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट इन योर कॉपी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।